की ओर से बंद का व्यापक असर दिखा। दवाओं की दुकानें बंद होने से मरीज पर्चा लेकर भटकते रहे और तो और सरकारी अस्पतालों तक में अफरा तफरी का आलम रहा, जहां दवाएं अस्पताल के भीतर ही दी जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था का दावा भी किया था, लेकिन यह सिर्फ धोखा ही साबित हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। बंद से बेदम हुए मरीज, हड़ताल की सबसे बड़ी पड़ताल। तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां दिन भर अफरा तफरी का आलम रहा। अस्पताल पहुंचे मरीज हाथ में दवा का पर्चा लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन बाहर से दवाएं नहीं मिली। हालांकि रिम्स के अधिकारियों ने हड़ताल का असर अस्पताल पर पड़ने की खबरों को खारिज किया। रिम्स में जो भी मरीज आते हैं उनको जो दवाइयां दी जाती है वो रिम्स के स्टोर से दी जाती है, और हमारा रिम्स में ओपीडी काउंटर भी है। हम लोग आज सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक दवाइयां मिले, ताकि उनको परेशानी न हो। लेकिन अस्पताल के बाहर भटकते मरीजों और तीमारदारों की तादाद रिम्स के दावों को झुठलाने के लिए काफी थी। धनबाद में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। दवाओं की दुकानें बंद होने की वजह से मरीजों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी। धनबाद में करीब 1200 दवा की दुकानों पर ताले लटके रहे। यहाँ पे जो मेडिकल दुकान है वो देखिए, ये बंद है पूरी तरह से, जो शटर है वो पूरी तरह से डाउन है। तकरीबन 1200 दुकानदार इस बंद के समर्थन में है। जो रिटेल में विदेशी निवेश हो रहा है उसको लेकर ये लोग सभी दुकानदार जो है विरोध जता रहे हैं। सरकार को पैसा देता है, समय समय से रिन्यूअल कराता है, एक डिग्रीधारी फार्मासिस्ट रखता है, या फिर जो दुकान खोलता है, इतने बड़े सेटअप का जरूरत क्या है। जामताड़ा में भी बंद का व्यापक असर रहा। यहां दवा व्यापारियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। एक घंटे का धरना कार्यक्रम जिला मुख्यालय में दिया, और धरना देने के बाद में जिले के उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेजा। व्यापारियों ने यहां समाहरणालय परिसर में एक घंटे तक धरना भी दिया। झारखंड के दूसरे जिलों की तरह साहिबगंज में भी हड़ताल ने मरीजों को खूब परेशान किया, और हम लोगों का किसी भी जनता का नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। और इमरजेंसी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट जो भी आ रहे हैं, हमारे सदस्य, हम लोग मिलकर सभी लोग एक साथ जाकर उनकी सहयोग करते हैं। दरअसल ऑनलाइन दवाओं के कारोबार के विरोध में झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस बंद का आह्वान किया। ये और बात रही कि इस बंद ने हजारों मरीजों की जान सांसद में डाले रखी, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने की वजह से हालात ज्यादा खराब हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।